स्टार्टिंग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 45 एंड द सम इज 400, एस एन 400 दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एन फाइंड करना है एंड द कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। ठीक है, सो देखो बेटा गिवन करके लिखेंगे। गिवन क्या क्या दे रखा है हमें? फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ये हमें ए दे रखा है। लास्ट टर्म ऑफ एन एपी यानी कि ये ए एन दे रखा है। ये हमें समेशन एस एन दे रखा है। हमें क्या पता करना है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स एन फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। ठीक है, सो गिवन करके लिखेंगे। ए हमें 5 दे रखा है, ठीक है, ए एन हमें दे रखा है 45। कॉमन डिफरेंस निकालना है और एन भी हमें निकालना है। एस एन हमें दे रखा है बेटा 400। ठीक है, सिंस एस एन इक्वल टू क्या होता है बेटा, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, एन बाई टू ए प्लस ए एन है कि नहीं। एस एन हमें दे रखा है 400, वैल्यू पुट अप करेंगे, एन हमें फाइंड करना है और ए हमें दे रखा है 5 और ए एन दे रखा है हमें 45। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, 400 है इस तरफ, इधर एन है, ठीक, अपॉन में 2, 45 और 5 को ऐड करोगे तो 50 आ जाएगा। ठीक, 50 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ गया, ये डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया, यहाँ एन बचा। 0 से 0 कटो, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एन हमारे पास कितना होगा, 16। पहला आंसर आ गया। अब हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। सिंस एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन आपको 45 दे रखा है, ठीक है, ए आपको क्वेश्चन में 5 दे रखा है, आपको एन 16 मिला है लास्ट टर्म, और डी आपका कितना है बेटा वो हमें निकालना है। प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 5, 16 माइनस 1 15 डी, यहाँ से आ जाएगा 40। 15 प्लस मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा, 5 3 जा 5 8 जा, सो डी की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन 3। आंसर